इंटरनेट, बस इसी की अवेलेबिलिटी की वजह से लोग अपनी सभी चीज ऑनलाइन खरीद देते हैं, जरूरत की भी और जो जरूरी नहीं है वो भी। क्यों? सिर्फ दिखावे के लिए? लोगों को बाहर मार्केट में जाकर घूमना नहीं पड़ता धूप में। टेक्नोलॉजी ने लोगों का काम जो इतना आसान कर दिया है, लोकल मार्केट बस अब दिन-ब-दिन कम होते चले हैं। बस उसी तरह से जिस तरह से लोगों को अब बार्गेन करना नहीं आता, टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग इतनी आसान जो हो गई है, लोगों का सब कुछ बच जाता है, टाइम भी और एनर्जी भी। लेकिन पैसे खैर वो नहीं बच पाता, ऑनलाइन में बार्गेन का जो ऑप्शन नहीं होता, इसके चलते दूसरे कुछ बिजनेस भी नहीं चल पाते, जैसे कि ऑफलाइन स्टोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, नहीं सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, और इस ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से भी। कोरोना की वैक्सीन जैसे आ गई है, वैसे ही इस प्रॉब्लम का भी हल है। डिजिटल मार्केटिंग, ऐसी सर्विस जो अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन अट्रैक्ट करती है बिना किसी कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन के बिना तो रिलेशन भी नहीं चलती, तो भला ये कैसे होता है? अपने बिजनेस को रफ्तार देने के लिए बातों की जरूरत नहीं, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही जरूरी है। सबके घर जाकर उनसे बातें करके मार्केटिंग करना वो पुरानी बात हो गई। जैसे वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, उसी तरह से ये भी बदल गया। ऑब्वियसली मार्केटिंग इंटरनेट में जब लोग पूरी तरह से घुसे रहते हैं, तो मार्केटिंग फेस टू फेस करने का क्या ही मतलब भला? बच्चों से लेकर बड़ों तक, छोटे से गांव से लेकर सिटी तक, सबको पाया गया मोबाइल के साथ और अपने आप को इंटरनेट के हवाले करते हुए। बस फिर इसी का ही फायदा उठाया गया, कैसे? ऑनलाइन अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को सेल करके, ऑफलाइन कन्वर्जेशन को कंटेंट में रिप्रेजेंट करके मार्केटिंग होने लगा। लोगों का फ्लो जितना जल्दी IELTS की ओर बढ़ा, कंटेंट मार्केटिंग भी इससे कई ज्यादा तेजी से डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व होने लगा। ईमेल, ब्लॉग, आर्टिकल्स के सहारे और अपने आप को SEO की हेल्प से गूगल जैसे ओशियन में बड़ी लहर जैसी जगह दे दी। यहाँ गूगल ने नाइंसाफी कर ली, अपने टूल गूगल एडवर्ड्स की हेल्प से बिना SEO प्रमोशन करता है, बदले में पैसे देकर। सच ही कहा है, पैसों से कुछ सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। गूगल सर्च में ये एड्स दिखा देता है। सिक्के के दो पहलू हैं, कंपनीज को सुकून मिल जाता है पैसे देकर एड्स करके, क्लाइंट्स जो मिल जाते हैं, सेल्स जो बढ़ जाएगा। लाइफ पॉसिबल नहीं है सन के बिना, वेबसाइट का अस्तित्व उसी तरह से गूगल एल्गोरिदम में SEO के बिना कुछ भी नहीं होगा। कंटेंट मार्केटिंग बस तभी आता है पिक्चर में, न ही SEO में। भटके हुए विजिटर्स को सही राह दिखाकर वेबसाइट पे लाता है और बिजनेस बढ़ाता है। ऑलरेडी अपलोड की हुई है SEO की वीडियो, फिर डिटेल्स में क्यों घुसे, देख लेना। अब हम कैसे भूल सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग के दूसरे बिचड़े साथी को, यूट्यूब मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। वैसे तो दोनों ही अपोजिट है, रिवर के दो किनारों की तरह, लेकिन फिर भी एक साथ डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। कुछ भी हो, मंजिल तो एक ही होती है, जिंदगी की बात हो या तो फिर ऑनलाइन मार्केटिंग की, वीडियो हो या कंटेंट, सिर्फ ज्यादा लोगों तक पहुंचना ही जरूरी है प्रमोट करके। कंपैरिजन हो ही रही है और कंपटीशन में एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ये कैसे कंपटीशन हुआ? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ट्विटर, ये सब भी इस डिजिटल मार्केटिंग के कंपटीशन में आते हैं। इस्तेमाल सबसे ज्यादा इन्हीं का ही होता है और फायदा भी उसी का ही उठाया जाता है जिनका इस्तेमाल ज्यादा हो, ज्यादा मुनाफा हो। घाटे का सौदा कोई नहीं करता, कोई क्यों ही करे जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिना डिसएडवांटेज हो जाए। ना फॉलोअर्स की झंझट, ना रीच की, और फैंस, हाँ आजकल गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, आई एम जस्ट किडिंग। फैंस के बिना इन्फ्लुएंसर नहीं बनते और रीच भी नहीं आती। लोगों को सब चीजों का फायदा चाहिए, बस इसी फैंस के सहारे मार्केटिंग कर देते हैं। पैसे दो, बिना मेहनत एडवर्टाइजमेंट करो, इतना सस्ता फॉर्मूला सबके पास पहुँचता तो है, मैथ थोड़ी ना है कि सब डर जाएंगे। डर तो लगता है जब बात पैसों की होगी, और मार्केटिंग के लिए पैसे ना, वेल जब डिजिटल मार्केटिंग हो तो आपको फिकर क्यों करनी? फिकर तो तब भी एक ही रहेगी, कौन करेगा डिजिटल मार्केटिंग? सॉल्यूशन तो सबके होते हैं, इसका भी एक सॉल्यूशन है, ओडमेंटिस प्राइवेट लिमिटेड। एक्सक्यूज मी, क्या कहा? डिजिटल मार्केटिंग फर्म ओडमेंटिस, आदत लगने में 21 दिन लगते हैं। ओडमेंटिस 10 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रही है। खुद ही कैलकुलेट करो आपके एडवांटेजेस,
सस्ता फॉर फार्मूला लेकिन मैथ्स एक्सपर्ट के लिए। और ओडमेंटिस वो मैथ्स एक्सपर्ट है जो डिजिटल मार्केटिंग के फार्मूला से वाकिफ है। आखिर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों ना मिले डिजिटल मार्केटिंग को? जितनी जल्दी कोरोना वायरस ने अपने आप को फैलाया उसी तरह से ये भी बिजनेस और कंपनी के क्लाइंट्स बढ़ा कर देता है। कम पैसे मुनाफा ज्यादा। मुनाफे की बात हो ही रही है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना टेक्टिकाना को। इस वीडियो का मुनाफा भी इतना ही है।